सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। तो विविध प्रश्नमाला दो वास्तविक संख्या इसका है आपके सवाल नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। आप 19 के सवाल में चार क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों में आपको सिद्ध करके बताना है कि ये संख्याएं कौन सी है अपरिमेय। पहले बताया हुआ है तो सेम टू सेम वैसा ही है जो मैंने क्या कहा था, जैसे ही आपके आ जाए परिमेय अपरिमेय यहाँ आ जाएगी, सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या तो उसको क्या मानना है आपको परिमेय मानना है। मैंने कहा है अगर इस सवाल समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रट लो, याद कर लो, सेम टू सेम बोर्ड में आता है, कोई चेंज नहीं होती, केवल संख्या ही चेंज होती है। तो देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो यहाँ लिखा है ना अपरिमेय, हम इसको क्या मान लेंगे परिमेय, हमेशा ऐसा ही करना है, अपरिमेय देगा और आपको क्या मानना है परिमेय। क्या लिखेंगे, माना 5 अंडररूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है परिमेय। वो सवाल में देगा अपरिमेय, हमें मानना है इसको परिमेय, मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखना है, पी बटा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्या कहलाती है। तो लिखो इसको पी बटा क्यू के रूप में, 5 अंडर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, एक शर्त होनी चाहिए क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब केवल एक काम करना है, पक्षांतरण करना है, क्या करना है पक्षांतरण, इस तरफ केवल अंडर रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्या को हम उधर भेज देंगे, इस तरफ कौन सी संख्या रखनी है अंडर रूट वाली, बाकी उधर भेज दो। तो यहाँ क्या रह जाएगा, केवल अंडर रूट 2 उधर p बटा q। अब देखो ये 5 गुणा में किस में जाएगा, गुणा में, तो ये बाग में आ गया, यहाँ हो गया पी बटा 5 क्यू, गुणा वाला किसमें गया खत्म हो गया, इधर केवल अंडर रूट वाली संख्या रहनी चाहिए, बाकी संख्या उधर भेज देंगे। जैसे खत्म हुआ यहाँ लिखेंगे, यहाँ पी क्यू एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक का मतलब कोई सा भी अंक हो सकता है, पी और क्यू की जगह 4, 5, 6, 1, 2 पूर्णांक संख्या है कोई सा भी, यहाँ पी और क्यू क्या है पूर्णांक है। अगर बेटा ये दोनों पूर्णांक है मतलब संख्या है, जैसे पी की जगह 2 मान लिया, 5 और इसकी जगह 3 मान लिया, तो 2 बटा कितना हो गया 15, और 2 बटा 15 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। अगर ये पूर्णांक है, ये पी और क्यू पूर्णांक है, तो ये जो नंबर दे रखा है वो कौन सी संख्या है परिमेय, कौन सी संख्या है परिमेय। आता क्या लिखेंगे, पी बटा 5 क्यू एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, यहाँ चिन्ह कौन सा आ रहा है, ये वाली भी कौन सी होगी, ये परिमेय तो ये भी कौन सी होगी परिमेय होगी, इसलिए अंडर रूट 2 भी क्या है, अंडर रूट 2 भी ये क्या है एक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है। लेकिन या किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी होती है अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकलता है क्या नहीं, तो क्या लिखेंगे किंतु, क्या लिखेंगे किंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 तो क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये वाला जो नंबर दे रखा है आपको वो कौन सी संख्या है अतः ये अपरिमेय, तो ये भी कौन सी होगी अपरिमेय, अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हमने माना था वो गलत है, करेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, गलत है, और हमारी मान्यता गलत है तो क्या है, तो ये संख्या दे रखी है वो कौन सी संख्या है अपरिमेय, इसलिए 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इति बस इतना सा लिखना है। प्रत्येक सवाल में गुणा वाले को बाग में भेज दो, बाग वाले को गुणा में भेज दो, प्लस वाले को माइनस में, और ये लाइनें लिखनी है प्रत्येक सवाल में, ऊपर भी फिक्स है और नीचे भी फिक्स है, आगे सुनिए।
19वें का दूसरा सवाल है, सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। कल भी मैंने बताया था जैसे अपरिमेय आ जाए उसको क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। थोड़ा आवाज धीरे करो। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज है, अगर बेटा हम इसको परिमेय मानेंगे तो किसके रूप में लिखना पड़ेगा? पी बटा क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे ही पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो उधर कौन सी संख्या, इधर कौन सी संख्या रहनी चाहिए? अंडर रूट, बाकी उधर भेज दें। लेकिन देखो ये बाद में अंडर रूट वाली संख्या है, ये उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगी? गुणा में। अंडर रूट वाली उधर चली जाएगी ना, तो आपको एक काम करना है शुरुआत में, अगर बाद में अंडर रूट वाली संख्या आ जाए तो यहाँ करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है? ताकि ये नीचे से रूट वाली संख्या हट जाएगी और कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा काम करना है आपको, हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण का मतलब है हर में कितनी संख्या है? अंडर रूट 7। परिमेयकरण का मतलब है अंडर रूट 7 को ऊपर भी गुणा करेंगे, अंडर रूट 7 को नीचे भी गुणा करेंगे। देखो हर का परिमेयकरण का मतलब है 7 को ऊपर भी गुणा करेंगे और 7 को नीचे भी गुणा करेंगे। जैसे होता है ना 2.2 या 3 का सॉल्व दूसरे का पहला 1/√7 जैसे था ना, तो उसी सेम ऐसे ही है। अब देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, बताओ क्या आ जाएगा? 2√7। ठीक है, कितना जाएगा? 2√7। अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे, √7 और √7 पूरा 7। ये आधा रूट और ये आधा रूट, तो क्या हो गया? पूरा √7। आगे सुनिए, आप देखो करना क्या है आपको, अब ये जो नंबर आया इसको मान लेंगे हम अपरिमेय। क्या मान लेंगे? अब लिखेंगे सेम वही, माना 2√7/7 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय। अगर परिमेय है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए, तो क्या लिखोगे बेटा? 2√7/7 = p/q लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने मान लिया कि परिमेय जहाँ पर एक शर्त होनी चाहिए, क्यू का मान क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब वो एक काम करेंगे, मैंने क्या बताया था, इधर केवल अंडर रूट वाली संख्या रखेंगे, बाकी संख्या को उधर पीछे फेंक देंगे। तो देखो सबसे पहले कौन जाएगी? ये बाघ वाली, बाघ वाली किसमें जाएगी? और ये गुणा वाली किसमें जाएगी? बाघ वाली तो जाएगी गुणा में, और गुणा वाली किसमें जाएगी? तो यहाँ क्या रह जाएगा? केवल अंडर रूट 7। देखो 7 तो जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे। बाघ वाली थी गुणा में गई, गुणा वाली थी बाघ में आ गई। आ गया सवाल खत्म। क्या लिखेंगे यहाँ? p व q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कोई भी अंक हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। अगर पूर्णांक है तो ये जो दे रखी है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अतः क्या लिखेंगे? 7p/2q एक क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर बेटा ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ चिन्ह किसका रहे? बराबर का। ये परिमेय है तो ये भी कौन सी होगी? ये परिमेय तो ये भी कौन सी होगी? इसलिए अंडर रूट 7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो कौन सी होती है? बताओ 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है क्या? नहीं निकलता। अब क्या लिखेंगे? किंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 7 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता क्या है? क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अब गलत है, हमने जो माना था क्या माना था? ये माना था 2√7/7 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इतनी सिद्धांत। अब इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका और इसका मतलब एक ही है। वापस आरोह का परिमेयकरण करोगे तो वापस कंडीशन क्या आएगी आपके पास? वही आ जाएगी। आपको या तो समझ में आ गया तो ठीक है,
मान लो बाय द वे किसी लड़के के समझ में नहीं आया तो करना क्या है, आपको याद कर लेना है ये वाली लाइनें सभी सवाल में फिक्स होती है। भाग वाले को गुणा में भेज दो, गुणा वाले को भाग में भेज दो, प्लस वाले को माइनस में भेज दो और माइनस वाले को प्लस में, और बाकी ये लाइनें सभी सवालों के लिए रटी रटाइए। आए उतारो, आए सुनने पहले उतारो भी देखते। देखो ध्यान दो, इसका थर्ड क्वेश्चन सेम वही है, सेम तरीका, यही चीज आपको वापस लिखनी है, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया, इन्हीं के जगह केवल नंबर चेंज कर देंगे, बाकी वही तरीके रहेंगे। देखो क्या लिखा है, सिद्ध करो कि 3 / 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे बटे में रूट वाली संख्या आ जाए तो आपको करना है हर का परिमेयकरण, क्या करना है हर का परिमेयकरण। देखो यहाँ भी रूट में संख्या है, हर का परिमेयकरण करो, रूट में कितना है 5, इसका मतलब √5 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √5 से नीचे भी गुणा करेंगे, दो से करने का कोई मतलब नहीं है, केवल रूट वाले नंबर से ऊपर और नीचे गुणा कर दो। अब देखो इसको किया तो कितना गया बताओ, 3√5। अब इसको किया देखो, आधा रूट पांच पूरे पांच को किसे गुणा करेंगे, पांच दुनी दस आ गया। अब ये जो आया इसको क्या मान लेंगे, परिमेय, क्या मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना 3√5/10 क्या है, एक संख्या। अगर परिमेय संख्या तो उसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखो P/Q के रूप में 3√5/10 बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ पर Q बराबर क्या नहीं है, जीरो आ गया। अब यहाँ केवल अंडरूट रखना है, बाकी 3 और 10 को उधर भेजना है, तो देखो ये बाघ वाली तो चल जाएगी गुणा में और ये गुणा वाली आ जाएगी, ऐसा समझो कि नीचे वाली तो जाएगी ऊपर और ऊपर वाली आएगी नीचे, तो देखो यहाँ से सेम ऐसा कैसा है, इसको हटाओ तो यहाँ क्या जाएगा, अंडरूट 5 रह जाएगा केवल, ये 10 तो जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, सवाल खत्म। क्या लिखना है, यहाँ पी व क्यू क्या है, अतः जो नंबर दे रखा है कौन सा, 10/3 क्यू, ये क्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ चिन्ह किसका है, बराबर का, अगर ये परिमेय है तो ये भी कौन सी है, तो भी दोनों बराबर है, ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय। किंतु हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी होती है, 5 का वर्गमूल निकलता है क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, किंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 तो कौन सी संख्या है, अतः हमारी मान्यता जो ये नंबर हमने माना था कौन सा, 3/10 ए क्या है, अपरिमेय। आगे समझे, सेम वही नकल करनी है आपको, फोटोकॉपी है सेम टू सेम, अगले सवाल में भी सेम यही करना है, आगे समझे उतारो। देखो ध्यान दो, चौथा सवाल है आपके, इसमें भी क्या लिखा है, सिद्ध करो कि 4 + √2 क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। अब देखो बाद में कोई रूट वाली संख्या नहीं है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो नंबर दे रखा है ये वाला, इसको क्या मानेंगे, परिमेय, क्या मानेंगे, माना 4 + √2 क्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखेंगे, P/Q आ गया। अब इधर तो केवल अंडरूट रखना है, बाकी 4 उधर फेंक देंगे, प्लस में किसमें जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, केवल √2 उधर क्या, देखो P/Q का तो P/Q ये प्लस क्या है, किसमें गया, माइनस में गया। अब चाहो तो लघुत्तम ले लो वरना यही खत्म। क्या लिखेंगे, यहाँ पी व क्यू क्या है, अगर ये दोनों पूर्णांक है तो ये जो नंबर है कौन सा, P/Q - 4 ये क्या है, अगर परिमेय संख्या है ये, तो इसके बराबर में ये √2 है, ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय है। किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो कौन सी होती है, 2 का वर्गमूल निकलता है क्या, किंतु हम जानते हैं कि √2 तो कौन सी संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। तो जो हमने माना था क्या माना था, 4 + √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। आगे सुन में, अब देखो एक लास्ट और क्वेश्चन बच रहा है, वो भी देख लो इधर साइड में, सवाल नंबर है 20। आपको बताना है
कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये परिमेय संख्या के हर के अपाद गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फालतू का क्वेश्चन है, बोर्ड में आते नहीं है ऐसे, फिर भी आपको देखना है। देखो ध्यान दो, एक तो दे रखा है नंबर एक 34.1234 5, ये दे रखा है। अब आपको बताना है ये परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है? देखो लास्ट में इधर आगे अंत तक नहीं आ रही, तो कौन सी संख्या है? परिमेय। अब आपको इसके हर के गुणनखंडों के बारे में बताना है। अब देखो इसके हर में कोई संख्या है क्या? हर में कोई संख्या है क्या? नहीं है ना। हम लाएंगे, कैसे लाएंगे? ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट जैसे हटा पॉइंट के पीछे कितने अंक है? पांच। एक के कितने जीरो लगा देंगे? पांच जीरो। कितने जीरो? पांच। अब ये कितना आ गया आपके? ये आ गया 10,000। 10,000 आ गया ना। अब 10,000 के टुकड़े करोगे ना तो इसके टुकड़े क्या होते हैं? जो भी है 1,00,000 जो भी है, इसके टुकड़े करोगे ना तो टुकड़े केवल दो और कितने आएंगे? पांच ही आएंगे। दो और कितने आएंगे? पांच। तो इसने कहा है कि इसके हर के गुणनखंड की टिप्पणी कीजिए। हर के गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कैसे करनी है? इसके हर के गुणनखंड दो और कितने आएंगे? पांच। चाहे तो आप सर के देख लीजिए, हमेशा दो और पांच ही आएंगे। जिसके पीछे ये 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1,00,000 आ जाए, उसके टुकड़े करोगे ना तो टुकड़े दो और कितने आएंगे? पांच ही आएंगे। तो बस ये लिख देना कि इसके हर के गुणनखंड में कितने आते हैं? दो और पांच आते हैं। इसलिए संख्या कैसी है? शांत है और परिमेय है। दूसरा दे रखा है इसी का सेकंड, ठीक है, वो दे रखा है 43.1234567 8 9। ऐसा क्वेश्चन 2.3 में भी, 2.4 में भी था लास्ट का सेम क्वेश्चन, और इसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह का मतलब क्या है? ये संख्या बार बार आ रही है, ये संख्या बार बार आ रही है, इसलिए कैसी है? परिमेय। कैसी है? शांत है और कैसी है? परिमेय। और इसके हर के गुणनखंडों के बारे में भी वही टिप्पणी करनी है, कितने आएंगे? दो और पांच आएंगे। तो फालतू क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है ऐसे, आपको लीन वालों को ध्यान देना है। आगे सुनिए, उतारो सर।